चाबी ऊपर ले आ रहा है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज है थर्सडे और जितनी एनर्जी आपको अभी दिख रही है ना, उतनी मैं सुबह सुबह इतनी ड्रेन कर चुकी हूँ कि आप पूछो मत। एक्चुअली हुआ ये कि ना, मुझे सुबह सुबह खांसी और उसके रिफ्लेक्स के साथ वोमिटिंग हुई है, टमी में कुछ था नहीं, तो मेरे गॉल ब्लैडर ने सोचा वाई खाली खाली वोमिटिंग कोई होती है क्या यार, तो मेरे गॉल ब्लैडर ने अपना जूस स्क्वीज करके स्टमक में दे दिया और वहाँ से जो भाई साहब कड़वा येलो कलर की वोमिटिंग हुई है, मेरी लाइफ की सबसे बुरी वोमिटिंग थी आज। उसके बाद मैंने नमक के गरारे करे, गर्म पानी, गुनगुना पानी पिया, फिर मम्मी ने मेरे को बहुत ही वो क्या बोलते हैं, अदरक और लौंग वाली चाय बना के दी, तो फिर वो मैंने पी। उसके बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है और आज तो मोटे को जल्दी जगा दिया गया क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैं फिर उठने के बाद मैं फिर रुकती नहीं हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, ये जमाना वो जमाना बिखरा हुआ, मेरे को घर सुहाता नहीं है, तो मैं उसके लग गई तो मोटी की नींद खुल गई। और हमारी मम्मी भी उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बाय, गुड मॉर्निंग, हाय। बाय, गुड मॉर्निंग, हाय। सुनो, हाँ की चौपाइयाँ लगा ली। हाँ लगा लो। इधर ही हाँ। और हमने सुबह सुबह म्यूजिक लगाया हुआ है मम्मी की डिमांड पे। मम्मी रामायण की चौपाई लगाएगी अपने पोते या पोती के लिए, उसको भगत बनाना है, पंडा बनाएंगे पंडा। और मैं इतनी खांस ली, इतना वो हो गया, मेरे को वॉमिटिंग आ गई। मेरा बच्चा आराम से सो रहा है, ये उठने का नाम ले रहा है, लगता है अपने पापा पे गया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए रामायण की चौपाई नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, दिस काइंड ऑफ किड। खुद तो व्लॉग कर नहीं रहा और मेरे को व्लॉग करने से रोक रहा है। ये कहानियां गाती है, एक बार मोबाइल चालू कर लिया, 10-10 15-15 मिनट का निकाल देती है। नहीं सही है, इसको काट काट यही कंटेंट होता है, आप नहीं समझोगे लड़के लड़के नाक पकड़ के यहीं से फेंकूंगा, दो मंजिल गिरेगी। अब पंखा चला दो, पर आवाज भी बढ़ा देना स्पीकर की। थैंक यू, थैंक यू। क्या चल रहा है? मसाला, ये मेरी दाल का सूप बना, थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा जल्दी पी पाऊंगा, जल्दी ऑफिस निकल पाऊंगा। और ये 9:45 और हमारी मम्मी इतनी फास्ट है, मम्मी को बैठे बैठे बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। मम्मी ने लंच के लिए दाल बना दी है, आटा लगा दिया है और अभी परांठे बनाए हैं हम दोनों के लिए। मैं नहा भी चुकी हूँ, तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ में रहने से आपका रूटीन एकदम अच्छा हो जाता है। अब मैं पूजा वूजा करूँगी, मम्मी ने रामायण की चौपाइयाँ लगा रखी हैं सुबह से, तो घर में हमारे भक्ति में माहौल हो रहा है। तो मैं पूजा वूजा करूँगी, सूरज को जल चढ़ाऊँगी। मम्मी खाना बना रही है, बोली थी मैंने बेबी का वेट जितना करा है ना, उससे ज़्यादा तो अभी मम्मी एक सप्ताह में बढ़ाने वाली है अपने पोते पोती का वजन। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, मम्मी हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, पता है। हाँ। तो इट्स टाइम टू डू पेट पूजा, आफ्टर पूजा। पर खोलते जो खुशबू आई है, ओए होए 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 होए, क्या दाल बनाई मम्मी ने, आप चिक। ये दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैंने थोड़ा रेस्ट किया है, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मुझे लेवल की जुकाम हो रखी है, तो मैंने टेबलेट ले ली थी घंटे भर पहले खाना खा के, तो नाउ आई एम फीलिंग बेटर। और हमारे मम्मी जी, जैसे कि आपने पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा, मोटर ने बताया, बहुत ही वर्कोहलिक है, शी डोंट वांट टू रेस्ट। सो हम लोग अभी मेरा बक्सा खोलेंगे क्योंकि अब बेबी होने वाला है, तो हमें कपड़े लत्तों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम दोनों साथ में डिसाइड करेंगे कि किसको क्या क्या देना है, या फिर देखते हैं क्या पड़ा है मेरे पास, काम का कुछ है क्या, तो साड़ी वाड़ी बेस वेस सूट वूट क्या निकलता है। तो इसकी चाबी है, इसको खोलेंगे, और ये मेरे दहेज में आया हुआ है, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, हमारी साइड ये बक्सा जरूर देता दहेज में। गाइस ये लेन देन के बेस रेडी हो रहे हैं और इन औरतों ने शूट तो किया नहीं होगा, मुझे पता है उस तरह से रोशनी आ रही, मैं इस तरफ से ले लेता हूँ। हैं भाई क्या जोर आता भाई शूट करने में? काम कर रहे थे हम। काम कर रहे, थोड़ा वो शूट कर लिया करो, घर की हालत वैसे बहुत खराब कर रखी है, पूरा घर अस्ति व्यस्त तितर बितर कर रखा है। किसी को कुछ नहीं दिखाएंगे, किसी को कुछ देंगे भी नहीं, केवल पैकिंग पैकिंग होगी।
सो गाइज आई एम एट होम, लंच टाइम चल रहा है और मम्मी अभी खाना बना रही है, जितने मैं सोच रहा हूँ थोड़ी नमकीन हो जाए। ये वही चित्तौड़ की नमकीन है जिसके बारे में बात करता है, लहसुन की बनी हुई सस्ती आती है लेकिन अच्छी आती है। मम्मी बाहर गए थे, दूध लाना था और सब्जियाँ लानी थी, तो मैं तो आधे रास्ते से आ गई क्योंकि वैसे चला ही नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने 2 किलो दूध लिया, उस 2 किलो को मैं यहाँ कंधे पर रख के लाई हूँ। मेरे से हाथों से हैंडल ही नहीं होता और अभी भी तेज बारिश आ गई है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक पे गए हैं, भीगता भी रहता आएगा बच्चा मेरा और बीमार हो जाएगा। वैसे हम लोग टाइम पे वापस पहुंच गए क्योंकि बारिश अब आई है। मम्मी बारिश अब आई है, भीगी सी भागी सी, भीगी भागी भीगी भागी भीगी भागी भीगी भागी। मैं कुछ टकली लग रही हूँ। तो है टकली नहीं हूँ मैं, टकलू है टकलू। अंदर चले? नहीं बाहर, तो गर्मी लग रही है यार बहुत ज़्यादा। कोई गर्मी नहीं, एकदम सही हो रहा। तू फादर नॉट करता रहता, मैं तो सारे बदले ले लूँगी मर जा। हाँ तो मैं स्टोरी सुना रही थी, आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ। आज सुबह मेरे साथ एक बहुत बड़ा अजीब काम हुआ। मेरे को आई सुबह वोमिट है ना, तो मेरे स्टमक में कुछ था नहीं, मैंने पानी भी नहीं पिया था उठ के। तो अब वोमिट ने सोचा कि आऊँ क्या, हवा तो आ नहीं सकती। तो मेरे गाल ब्लैडर ने सोचा क्यों ना मैं कुछ सहयोग करूँ। तो पता है इतनी कड़वी और येलो कलर की वोमिट आई है मेरे। ये तो तूने सुबह मुझे बता दिया था, बाइल जूस आया। तो मैं आपको अभी मोटू ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि तू हर वक्त फार्ट कैसे कर लेती है। तो मैं ये बता रही हूँ, मेरे शरीर में इतना स्पेस जो बेचारे ऑर्गन्स का था वो आपके बच्चे ने ले रखा है, तो मेरे ऑर्गन्स कुछ के पड़े हैं, कुछ भी निकल जाता है कभी भी। ऐसा ही होता है प्रेगनेंसी। ये मंगाया जो वो दूध और छाछ मोटे ने, और अब इसको ऊपर खींचना इतना मुश्किल हो रहा था। एक तो मैंने हाथ में लोशन लगा रखा है तो रेसिस्टेंस हो गई थी। मैं तो खींच भी नहीं सकती। कितना बिल है? 286। ठीक है भैया, कर नंबर नंबर बता लो। मम्मी देख रहे हैं अपना सीरियल इमली, है ना मम्मी? तो ये भी देखते हो? सोच रही हूँ थोड़ा काढ़ा बना के पिया जाए क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है। काढ़ा आयुष क्वाथ पाउडर। अभी ये गुदड़ी सही करने के चक्कर में अंकिता ने 2 क्वेश्चन खराब कर लिए। मम्मी 2 गुदड़े और लेके आई हैं। मम्मी चाहती है अंकिता उनको रिपेयर ना करे, उनको उन पे कवर ना डाले क्योंकि 2 और क्वेश्चन खराब होंगे उस चक्कर में। अभी इसके बीच-बीच में टाके लगे क्या मुझे? नहीं, ये बहुत अच्छा हो गया। ये हाँ ऐसे रहने दे, ये बहुत अच्छा हो गया। इसको रोकने के तरीके बहुत अच्छा कर दिया। मम्मी मेरे को सबसे ज्यादा एनकरेज करती है पूरे खानदान में, मेरे पीयर में, ससुराल में, सबसे ज्यादा मेरी मम्मी। हाँ पर तुम ज्यादा एनकरेज हो जाते हो, तुम इतना मत करा करो। मम्मी कुछ भी हो मम्मी दिल नहीं तोड़ती, तो उनको मैं दोनों को ले जाऊंगी और वहाँ फिर किसी से भी करवा लेंगे। हाँ। उनको राजू मामी से, राजू मामी तो मुझे कह रही थी, मुझे पता नहीं मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे घुमा घुमा के, पर कोई मजा नहीं आ रहा। लो लो नहीं लीजिए ना, आपके लिए तो लाए हैं हम, तोड़ से लीजिए 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 लीजिए। मेहमानों की एक्टिंग हो रही है। देख